तो चलिए बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मरुधरा दौरे की। तो देखिए, चुनावी साल चल रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मरुधरा के दौरे पर है। भीलवाड़ा के मालासेरी में भगवान देवनारायण की जयंती महोत्सव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने जा रहे हैं। भगवान देवनारायण जी की दिव्य जयंती है आज। 1111वीं जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं भीलवाड़ा से। ऐश्वर्य, देखिए एक काफी अहम दिन होने वाला है भीलवाड़ा वासियों के लिए भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच भी रहे हैं और एक सौगात भी आज देने वाले हैं जनता को। किस तरह का माहौल अभी देखा जा सकता है वहां से? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले यहाँ लोगों में बेहद उत्सुकता है और यहाँ पर थोड़ी देर पहले तस्वीर हमने दिखाई, बड़ा एक अहम कार्यक्रम होने वाला है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हम हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान से एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे एक बार वहां की, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भीलवाड़ा आ रहे हैं, जिसको देखते हुए काफी तैयारियां की गई है वहां पर सुरक्षा के लिहाज से। ऐश्वर्य, देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस जाप्ता भी मौजूद है, भारी संख्या में लोग भी मौजूद है। एक बार पूरे सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताइए वहां की। देखिए, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तो प्रधानमंत्री आते हैं तो अच्छी होती ही है, सुरक्षा की दृष्टि से कार्यक्रम बेहतरीन होता ही है। सुरक्षा के लिहाज से अलग अलग दरवाजे बनाए जाते हैं, उनसे एंट्री दी जाती है, आम लोग अलग, वीआईपी अलग, इस तरीके से होता है। मेरे साथ यहाँ शिखा भी है और नवीन शर्मा भी हैं, दोनों हैं, दोनों से हम बातचीत करेंगे। शिखा यहाँ पर आई है, शिखा से भी हम पूछेंगे कि इसको किस तरीके से देखते हैं, और नवीन भी मेरे साथ मौजूद है। शिखा, इसको यहाँ कार्यक्रम में आप आए बिल्कुल, देखिए फिलहाल 9 बजे हैं और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने में करीब 2 घंटे का वक्त शेष है, लेकिन उससे पहले ही बड़ी संख्या में जिस तरह से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सके कितना उत्साह लोगों में है। खासतौर पर जिस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ की गई है सुरक्षा के लिहाज से, जगह जगह पर चेकिंग के बाद ही अंदर एंट्री हुई है, पास के लिए अलग से एक लाइन बनाई गई है, उसके बाद जो लोग हैं जो पास के थ्रू अंदर वीआईपी है उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है, और बाकी आमजन के लिए करीब मान सकते हैं कि 10-20 मीटर की मंच से दूरी पर लोगों को बैठने की व्यवस्थाएं दी गई हैं। लेकिन जो ये दौरा है वो काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं यहाँ पर तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हालांकि दौरे के मायने कितने ही, क्योंकि भगवान देवनारायण जी की आज मेघवाल वो इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे, करीब 3 लाख से आसपास लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, उनके भोजन पानी की व्यवस्था की गई है। जो अनुमान था और जो तैयारी थी वो 3 लाख के टारगेट को लेकर की गई थी ऐश्वर्य जी, मगर मोटा मोटा जो उम्मीद लगाई जा रही है 2 लाख से आसपास लोग आने की उम्मीद है। क्यों कि न केवल भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, टोंक तक के जो गुजर बहुल का इलाका जो अटता हुआ है, जो सीमा है जिले की, वहाँ के लोग यहाँ पे पहुँचने की पूरी उम्मीद है। देखिए, इस कार्यक्रम को लेकर मैं जानकारी दे दूं, देवनारायण जी कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार अन्याय का प्रतिकार करने के लिए जाना जाता है, वही दूसरी ओर अपनी चमत्कारी सिद्धियों द्वारा जन कल्याण करने वाले कृपालु शासन व गौरक्षक के रूप में भी पहचाना जाता है। भगवान देवनारायण जी के देवलोक गमन की गाथा भी अलौकिक है। अर्जुन राम मेघवाल जो भगवान श्री देव नारायण के निकारी नदी पर स्नान ध्यान करने के बाद अर्जुन मेघवाल ने देव जी को थाली के देवता पर भोजन कराया, वहीं से भगवान श्री देव नारायण जी कमल के फूल के साथ नीलागर घोड़े पर सवार होकर मैं आप वरना धीरे धीरे कैमरे को मूव करते हुए धाम प्रस्थान कर गए। किस तरीके से हजारों वर्षों के बाद आज